नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। निरसा में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने KSGM कॉलेज प्रांगण में अवस्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से उनकी जयंती मनाई। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज का दिन झारखंड वासियों के लिए अहम दिन है। आज ही के दिन झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। उन्होंने आदिवासियों के विकास को लेकर काफ़ी कुछ किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस कॉलेज के कर्मचारी कहते हैं कि बिरसा मुंडा की प्रतिमा का रखरखाव मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा, महासचिव प्रणव सिंह गुप्ता, सचिव राहुल पांडे, संयोजक दिनेश कुमार साव, एडवाइजर डॉक्टर संतोष कुमार राय, मीडिया प्रभारी किशोर कुमार वत्स, सदस्य नागेश्वर दास उपस्थित थे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवल की रिपोर्ट। जो उनका जो योगदान रहा उसका ऐसा योगदान जो है शायद कोई माने इसमें किया गया है बिरसा मुंडा के द्वारा जो किया गया है और वो माने याद रखने की बात है। और झारखंडी सबको को ये सोचना चाहिए कि हमारे एक माने नाम क्या हुआ झारखंडी नेता जो थे बिरसा मुंडा, और उस पर माने करना चाहिए। और यहाँ पर जो है कॉलेज में आए हुए कॉलेज का जो है इसमें कैंपस पर और बिरसा मुंडा का इसमें है उनका जो स्टैचू बना हुआ है, परंतु थोड़ा सा साफ सफाई नहीं रहने के कारण थोड़ा सा दुखी हैं और उसको साफ सफाई करने के लिए यहाँ के स्टाफ जो है बोलते हैं हम लोग कर देंगे साफ सफाई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस यही बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। मैं मानवाधिकार के मास्टर जी का दिवस जन्म दिवस है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ निरसा मंडल की ओर से पुष्पमाला देकर सम्मानित किया जा रहा है। बिरसा मुंडा के बारे में जी के बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है। आज झारखंडवासी और उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि उनकी क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो उन्होंने झारखंड के लिए लड़ी उनको बुलाया नहीं जा सकता है। और इसी को याद करते हुए आज हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ निरसा मंडल उनके चरण स्पर्श और पुष्पमाला देकर समर्पित करते हैं। हमारे बिरसा मुंडा आवाज उठाकर लोगों की आवाज बने, उन गरीबों का आवाज बने, शोषितों का आवाज बने, आंदोलन करते हुए इन्होंने लोगों को बताया कि समाज का अगर नेतृत्व करना है, समाज में अगर कुछ चाहिए, समाज से चाहिए, तो उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और इनके संरक्षण में ही झारखंड के सभी समुदायों का एक बृहद पैमाने पर विकास हुआ। जन्म से ही एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई थी। उनके पिता का नाम शुभना मुंडा और माता का नाम कुर्मी मुंडा कर्मी मुंडा था। और जन्म से ही इनका जीवन जो है संघर्षशील रहा है। 1894 ईस्वी में इन्हें 2 जेल भी जाना पड़ा। उस समय इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण तब हुआ जब 1894 ईस्वी में अकाल आई थी। भयावह अकाल आने के कारण वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ और खाद्य पदार्थों की कमी के कारण लोग अपने लाइफ से जूझ रहे थे। तब इन्होंने अपना योगदान सेवा के रूप में दिया। तब से इन्हें एक भगवान की तरह लोग आज जन्मदिन है उनका। और देखा जाए तो इसमें जो है उनको जनजाति लोग एक भगवान का दर्जा जो है दिए हैं और अंग्रेजों का जो है शोषित जो है जनजाति लोग बहुत मतलब हुए, जिससे वो अपने आप को इस जनजाति को उभारने के लिए अंग्रेजों से जो शोषण जो है किया जा रहा है तो उन्होंने एक अपना नारा दिया था। हमारे झारखंड की भगवान जिन्हें बोला जाता है बिरसा मुंडा जी, साक्षात जो बोला जाए भगवान है, तो आज ही इनका माल्यार्पण हम लोग कर रहे हैं भगवान जी का। और हम लोग जो है कि महामहिम झारखंड में इनको भगवान के रूप में मानना है भी। और आदिवासी कल्चर के लोग जो हैं वो आगे से ही अपना भगवान मान चुके हैं। चूँकि ऐसा है कि इस झारखंड में आज जो भी आदिवासी के लिए किए हैं या जिसके लिए